नमस्कार दोस्तों, मैं एस नागरे आपका सिविल साइड एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे हनीकॉम्बिंग के बारे में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक की बटन पर क्लिक कर ले। दोस्तों, आज हम हनीकॉम्बिंग के बारे में पढ़ेंगे। हनीकॉम्बिंग एक कॉन्क्रीट के करने के बाद एक बेड रिजल्ट रहता है, उसका एक बेड रिजल्ट रहता है कॉन्क्रीट का। ये हम देख रहे हैं स्टेबल फुटिंग, जिसमें कि हनीकॉम्बिंग दिख रहा है, जिसमें कि बाहर बाहर निकला हुआ है या बाहर बाहर दिख रहा है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि क्लियर कवर नहीं लगाना, और जैसे कि एग्रीगेट, हम जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं वो 20 mm से ज़्यादा या ज़्यादा होना, और वाटर सीमेंट रेशो बराबर ना लेना, ऐसे कई कारण होते हैं इसके। वाइब्रेटर ना चलाना, मेन तो वाइब्रेटर है मैं दोस्तों। वाइब्रेटर अगर हम ना चलाएंगे तो जो हनीकॉम्बिंग है वो आएगी ही आएगी, क्योंकि और ये और जो जो ये बाहर दिखाई दे रहा है, ये बाहर कोरोजन लगेगा, और कोरोजन क्या है कि सारे जो बाहर है अंदर के उनको भी, उन पर भी कोरोजन लगकर ये कंक्रीट को धीरे धीरे छोड़ता है, जिससे कि जो स्ट्रक्चर है या जो फाउंडेशन है वो कमज़ोर होता जाता है, जिससे इसकी कैरिंग बेरिंग जो कैपेसिटी रहती है वो कम होती जाती है। अतः दोस्तों, हमें ये हनीकॉम्बिंग अगर आती भी है थोड़ी बहुत, तो इसको हमें किसी मोटार से रिपेयर कर देना चाहिए, जिससे कि ये किसी एयर और सिल्ड के संपर्क में ना आए और इसमें कोरोजन ना लगे। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।